सबसे पहले मेरा यो ब्लॉग आएगा 15 तारीख को, तो 15 अगस्त हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। मॉर्निंग की शुरुआत आज हो चुकी है, स्टार्टिंग करी है कपड़ों से, कपड़े धोने लग रही हूँ तो ज़्यादातर तो धो दिए, एक मशीन में चले हुए हैं, दूसरी में डालने लग रही हूँ। हाँ जी, राम राम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं सभी। मैं संतोष गहलावत स्वागत करती हूँ आपके अपने इसी ब्लॉग के एक और नए ब्लॉग में। आज मैं लेट हूँ, लेट नहीं हूँ, मैं सारा काम करके आई हूँ, कपड़े धोकर सुखा कर आटा बेकन है, आज तो सुखा कर और जब छत पे आई हूँ, क्यों संडे है तो काफ़ी टाइम लगना है छत पे, तो अपनी मैं छत पे जाकर लेंगे ठंडी ठंडी हवा में, हवा ठंडी चल रही है, और आज लाई हूँ ब्लैक कॉफ़ी अंग्रेज़ों वाली बना कर, आज ग्रीन टी नहीं लाई, क्यों नीचे पसीने आ रहे थे, हवा नहीं लग रही थी, कपड़े धोने लग रही थी, तो और काम निपटा, मैं एक बार पहले आराम से बैठ कर ना और फिर करेंगे, रवि सीढ़ियों में भी एक दो राउंड लगना है, नीचे से कुछ उठा उठा के लाना है, तो मैं पहले पी लूँ, थोड़ी एनर्जी आएगी, तो फिर करते हैं, होते हैं स्टार्ट। सारे पौधे में पानी देना है, खाद वाला गोल गोल करना, दो बाल्टी ले रही हूँ, दोनों में घोलूँगी फिर दूँगी, क्यों काफ़ी टाइम लगना है, आज लगाने हैं उनमें करना है, जब ही तो मैं फ्री होकर ना कपड़े धोकर सुखा कर आटा भेग है सब्जी काट कर, मैं जब आई अब सही छत पर मेरे को 8 बज जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले पी लेते हैं अपनी, पसीने आ गए, 3 राउंड सीटी आमा को लग गया, एक तो कट्ठा, दो ही हैं, दो उधर रखी, 4 ट्रे क्यों उधर मिट्टी बनाने लग रहे हैं, और ये भूसा है गमले के नीचे, पता नहीं क्या क्या कबाड़ इकट्ठा करना पड़ा है, जब लगाने पड़े हैं, जब चला है कट्टा पत्तियाँ का, सूखे पत्तियाँ का, माली आता हो उसको बोला भाई एक आध बार उससे काम करवाया करा ना, जब कोई सामान सामून चटवाना हो बारी वाला, तो मैं सूखे पत्तियाँ का कट्टा रख जाइए, तो नीचे रखे गया वो रात ने, तो अब उठा के ले आई हूँ, 3-4 चक्राएँ में सीढ़ियाँ मेरे बोझ लेकर चढ़ना, तो सांस ही हो रहा है ना उथल पुथल बैठ के सांस उतारूँ हूँ और पसीने सुखाऊँ फिर लगूँगी मैं। ओह मुश्किल है, सीढ़ियाँ मेरे को 3री मंजिल पर चढ़ना, और सामान लेकर ना तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाओ, खाली तो चढ़ती रहूँ हूँ मैं सारी आन पर, सामान ले लेकर नहीं चढ़ा जाता। संडे का दिन हमें टेरिस गार्डनिंग के लिए रखा हुआ है, और तो बीच में छोटे छोटे होते हैं, पर संडे को हम 2-3 घंटे लगाते हैं छत पर को, जो पौधे लगाने हैं और जो करना है तो दोनों जने मिल कर करते हैं, क्यों एक जने का काम नहीं है तो हेल्प करने वाला चाहिए साथ में। अब जैसे हस्बैंड मिट्टी बना रहे हैं तो मैं मिट्टी डाल डाल कर इनको पौधों को रिपोर्ट करने लग रही हूँ। छोटा छोटा और रह रहा है, सब सेटिंग कम लेना, जो है पौधे बड़े हो रहे, गर्मी में बस बाल दुखी होगी ना, बाल चपकी मोटा मोटा हो गया, अब यहाँ गमले जो बड़े पौधे हैं उनको एक तरफ सेट करेंगे, करूँगी उठा कर ना, और एक जेड प्लांट से कितने बने हैं इसके अभी और बनाएंगे, क्यों अभी तो ये रिपोर्ट कराया है ना इसमें, तो कई टहनियाँ और कटेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो बन गए, 6-7वां ही बड़ा बने रहा है, और 3-4 और इसमें से बन जाएंगे, एक पौधे में से 10-12 बन गए, अभी रिपोर्ट कराया है इसीलिए मैं टहनियाँ नहीं काटूँगी, मैं जो ज़रूरत की थी वो काटी थी। इंडोर के लिए 2 स्पाइडर प्लांट लगाए हैं वाइट वालों में, इनके गोल्डन वह मंगवा लूँगी, क्योंकि स्पाइडर बहुत हो रहे हैं ना छोटे 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 छोटे, तो काफ़ी स्पाइडर हो रहे हैं, तो अब इनको करती हूँ रिपोर्ट धीरे धीरे, आज तो और कुछ हुए हैं ना, खाद खूद रोड या मिट्टी में लग रहे थे, कई गमले हुए हैं मिट्टी बदलने रोड, काफ़ी टाइम लग गया ना, क्यों 7:30 हो रहे हैं, बस अभी गमले पौधे करती हूँ जो बड़े वाले हैं इधर से उधर। और अकेला आदमी करे ना उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर जैसे धूप तेज़ निकलती है गर्मी लगने लग जाती है, दो जने मिल कर करें ना वहाँ मन भी लगा रहता है और काम भी जल्दी निमटता है, तो 3-4 घंटे का काम हम 1.5-2 घंटे में कर देते। घिया की तो नहीं चल रही मेरी, तोरी की छोटी ही बेल है और काफ़ी फूल आए हुए हैं, जो मैं फर्टिलाइज़र बनाती हूँ ना लस्सी वाला उसका इतना फ़र्क होता है, कई तोरियाँ हो रही हैं, और जो फूल फाल वाले वो पौधे हैं उनके कारण ना पोलिनेशन के लिए फिर वो आती रहे हैं, तो इसलिए फिर मेरी छोटी बेल का तोरी स्टार्ट हो गई है, 2 तोरियाँ बन गई और फूल आए हुए हैं, अब मेरे को नहीं पता मैं कैमरे में आ रही हूँ नहीं आ रही, धूप बहुत तेज़ हो रही है और टाइम भी 8 बजने के करीब है, 8:15 हो रहे हैं जहाँ तक है। वेलकम बैक, फिर से टाइम हो गया 8 बजने वाले हो रहे हैं, पसीना हो रही हूँ, कूड़े वाला आ गया तो भाग के आई हूँ, क्यों बाहर वाले पौधे में भी वो पानी रह गया है, खड़ी का जो बना के ले आई थी आधी सारी बाल्टी, अब बाहर वाला मैं दूँगी कहना कूड़ा लेकर बाहर ही खड़ी होंगी, कूड़े वाले को कूड़ा दे देती हूँ और साथ में उन्हें डाल देती हूँ पानी, बने रही हो लोग में। फिर मैं लगी थी बाथरूम की डीप क्लीनिंग करने, तो इस बाथरूम में जैसे बेटा मेहंदी वगैरह लगाता है तो टाइलों के जल्दी लग जाती है, तो अब की बार तो हो गई थी डीप क्लीनिंग करे 15-20 दिन, तो वो सारी उतारने, क्यों वो मेहंदी वाला रच ही जाता है टाइलों के या नीचे फर्श पे। टाइम हो रहा अपने नहाने न हो रहे हैं, बेडशीट चेंज करी थी, बेडशीट धोई थी तो या बदली है बिछाई है, और बाथरूम की डीप क्लीनिंग करी है,
तो एक की तो कर दी, अब एक की और करूंगी, दो की करूंगी, एक को छोड़ दूंगी, एक को फिर बीच में किसी दिन कर दूंगी। तो यूं चलता है तीनों बाथरूमों का, क्यों इन्हीं में काफी टाइम चल लग जाता है बेडशीट बिछाने में। और लगे टाइम हो गया है 11:30, आज तो मैं भी लेट थी क्यों छत पर लगे हुए थे, धीरे धीरे ही चला हुआ था या कुछ साफ सफाई में लग जाओ आदमी तो इसलिए लेट हो ही जाता। ललिता करने लग रही है, ललिता भी आज लेट आई संडे के कारण, वो भी नहीं बोली बच्चे घर पर थे, मैंने सोचा और देने तो भागो भाग होती है, मैं भी लेट चलो तो वो करने लग रही है। मेरा हो गया, मैं अपना अपना दो का नरब आई हूँ, वो अपना बार बार का उसका रह रहा है, वो कर जाएगी। और अब तो अब फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फिर ये दोपहर का टाइम है 1 बजे का, तो मैं लगी थी नमकीन चावल बनाने, क्यों चावल पहले धो कर नर भिगो कर रख दिए थे, सब्जियां सारे काट कर रखी रखी थी, वो तो सुबह ही मैंने काट दी थी, क्यों कपड़े धो रहे थे जब मेरे पास किचन में टाइम था। तो आलू अब साथ के साथ ही छील लिए, फिर काफ़ी टाइम हो गया था नमकीन चावल बनाए हुए ना, राजमा चावल और वही खा रहे थे, तो मैं आज नमकीन चावल बनाते हैं। वेलकम बैक, फिर से टाइम हो गया है 12:30, 12:30 से ऊपर हो रहे हैं, 1:15 हो रहा है। तो मैंने अपने नमकीन चावल बना दिए और 2 मिनट के लिए मैंने अपनी करी है किचन में, दिखा दूँ सब्जी थोड़ी स्टेयर फ्राई, मैं चावल कम लूँगी सब्जियाँ उसमें ज़्यादा डालूँगी, वैसे उसमें भी डाली हुई है, तो ये भी थोड़ी स्टेयर फ्राई करी है 2 मिनट के लिए करी हैं। तब चावल बनते हैं तब तक मैं बाहर से लाती हूँ कपड़े उतार के, ना सूख लिए होंगे कभी, एक सुबह धो दिए थे वो तो मैंने 6:30 बजे बस बेड शीट वगैरह उतारी थी और बिल्कुल ही पतले जो कलर वाले कलर फेड हो जाते हैं वो उतारे थे, और तो रह ही रहे हैं, एक बार उनको उतार के लाती हूँ। सारे कपड़े उतार ले आई, फोल्ड कर दिए, और इतनी देर में मेरे चावल भी बन गए, अब दे थोड़ी देर में गैस निकलते हैं और उनको दे दूँगी। बैठ के कारण में कई देर लगा है, खड़े होकर कारण में फटाफट फटाफट निमट जाता है, तो ये सबके सबके अलमारियाँ लगा दूँ। टाइम हो गया 1:45, और किचन में घुसो तो टपकता ही निकलो, हर बार का यही हो रहा है, जितनी देर भी किचन में घुसते हैं तो टपकता ही निकला। तो सबको मैंने दे दिया, बर्तन वगैरह धो दिए, सब कुछ कर दिया, और ऊपर लगा हुआ है जो स्टैंड लेके आए थे तो उनका पेंट करने वाला, बस 1-2 घंटे के लिए उसको बुलाया था, 12:30 प्राइमर मार, 1 घंटा बीच में लगा गया, क्यों अनबैलेंस टाइम होता है तो बीच में कर गया, यहीं पड़ोस में कहीं लगे हुए थे तो वहीं से लाए थे बुला के, 6 बजे आकर ना पेंट मार जाएगा। कर तो मैं भी लेती पर ज़्यादा हो जाता, कई थे ना, और इन चीज़ों को यही ठीक करते हैं, वो भारी भी हो जाता है उठाने में और उसमें करने में दिक्कत होती है, पेंटर ही बढ़िया करता, गमले गमला का तो मैं कर लेती हूँ अपना का। तो अब 6 बजे तो अब अपना काम सारा हो गया दोपहर तक का सारा, अब फ्री अब रेस्ट करूँगी ना, क्यों सुबह से आप तो छत पर इतना करा है, बल्कि वो दुख है, हाथ दुखने लग रहे हैं थोड़े, पेन से आओ कई देर पीछे दिखा करा ना, असर हो अगर कोई चीज़ उठा रहे हैं कर रहे हैं तो अब रेस्ट करती हूँ फिर मिलेंगे। हो रहा 5 बजे हैं, चाय पी ली थी, चाय चूहे पी के नर अपने बैठे थे, फिर कोई आ गया तो मैं वो उधर से तो ब्लॉक की एंडिंग होएगी नहीं, तो इसकी एंडिंग करने के लिए इधर आ गया ना बैठी हूँ, क्यों अब कोई आया हुआ है फिर हमने कहीं जाना है तो इसलिए फिर ये लटकता ही रह जाएगा। काम करके सोते हैं ना तो बहुत गहरी नींद आती है, और दिने का तो काम जैसे टूचर पूचर होता है, तो संडे वाला जो हम काम करते हैं ना छत पे, वो इधर से उधर जोर का काम होता है जो सही, जो उस दिन समझ में आती है कि लेबर जो काम करते हैं, और दिने वाले काम तो दूसरे होते हैं, जैसे ये तो डेली का ही होता है, सफाई कर दी, ये कर दिया, एक्सरसाइज कर दी, वो चीज़ तो, पर जो वो मेहनत का काम होता है छत पर होता है, टेरिस गार्डनिंग पर, छत पर जाकर पेड़ पौधे का होता है, मिट्टी इधर से उधर करनी लानी यूँ करना, वो जो जोर लगता है ना हाथों में पूरा पूरी एक्सरसाइज वो होती है, और फिर दो पैर को नींद आती है इतनी गहरी ना मेहनत करके ना, ये और तो डेली का तो रूटीन वाला ही काम है, डस्टिंग कर दी, ये कर दी, वो कोई काम तो है सारा दिन, पर वो इतने उसमें इतना वो नहीं लगता जोर जो उधर लगता है छत पे, खेत खेतम है, रोड रे लेबर है, जो मजदूर हैं सारा सारा दिन काम करते हैं, फिर रात को चैन की नींद सोते हैं, तो तभी वो होता है ना, क्यों शारीरिक वो काम करते हैं फिजिकली, तो हमारे वो फिजिकली कम होते हैं, हमारे टूचर पुचर के ही काम होते हैं थोड़ा। मौसम हो रही बहुत ज़्यादा गर्मी, तो आज तो बिल्कुल यूँ घुटन हो रही है, और यूँ पसीना तर तर गिरने लग रहा है, बाहर भी मौसम और तरह का है, जिस तरह ना बादल है ना और ना बारिश का मौसम है, तो और ही तरह का है घुटन से का, तो बहुत दिनों बाद ही हुआ है, ये रोज ही होता पर ऐसा ऐसा बहुत कम होता है, एक आध बार होता है ना इस तरह का घुटन से का। इसके साथ ही फिर मैं व्लॉग की भी एंडिंग कर देती हूँ, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, शुक्रिया और थैंक यू।